हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और डीपली एनालाइज करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो सेकेंड सेमीफाइनल मैच होने वाला है, इसी मैच के बारे में। ये मैच जो जीतेगा वो डायरेक्ट न्यूजीलैंड के साथ फाइनल खेलेगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम एलेवन और माई एलेवन सर्कल की टीम प्रोवाइड करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे आजकल कमेंट कर रहे हैं कि कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जिस पे रजिस्टर करते ही आपको पैसा मिल जाए, ऊपर से उस पैसे को आप 100% जो है यूज़ कर पाओ। तो आपको क्या होता है, इससे आपको एक भी रुपये ऐड नहीं करना पड़ता। तो आप आप HalaPlay खेल सकते हो। नीचे आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर पे लिखा होगा HalaPlay, उसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कर लिए ऐप को। डाउनलोड करके आपको बस मेरा रेफर कोड देना है जो कि नीचे है। रेफर कोड देते ही आपको जो है 50 रुपीज़ का जो है आपको कैश बोनस मिल जाएगा। ये कैश बोनस नहीं है, आप समझ लियो ये कैश ही है, क्योंकि आप इसको जो है 100% यूज़ कर सकते हो ग्रैंड लीग पे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप अगर 50 रुपीज़ अगर आप जो है बोनस कमाते हो उस पर आप ये वाला लीग सारे लीग जो है ज्वाइन कर सकते हो। आपको पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं फैंटेसी गेम की, तो वो HalaPlay से कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी अभी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जो आपको जो है पैसा देता हो। सभी एप्लीकेशन जो है आपको पैसा देता है, कैश बोनस देता है, लेकिन 100% यूज़ करने को नहीं देता। आपको खुद से पैसे ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो सेकेंड सेमीफाइनल मैच होने वाला है, तो इसी मैच के बारे में तो सब डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वर्ल्ड कप में अभी तक दोनों टीम जो है 8 बार आमने सामने खेली है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है, वहीं पर सिर्फ और सिर्फ 2 बार जो है इंग्लैंड ने जीता है। तो इम्पोर्टेंट मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि आज इंडिया जो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, तो बहुत ही दुख है हम सब लोग। लेकिन इससे क्या होता है, अगर हम लोग पॉजिटिव देखें तो अब हम लोग इमोशनल होकर टीम नहीं बनाएंगे। राहुल रोहित और कोहली को हम लोग अब इमोशनल होकर टीम में नहीं लेंगे। अब हमारा जो है इंडिया जो है बाहर हो गया है, तो अब हम मन लगा के जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी टीम बना के बहुत अच्छा जीत भी सकते हैं। तो बात कर लेते हैं वेन्यू की जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो है 231। मैं आपको यहाँ पे पिच रिपोर्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ था, उसने पिच रिपोर्ट देखने के बाद क्या रिपोर्ट आया था, उन्होंने कहा था कि ये 300+ की विकेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन बनेंगे। क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने 239 करके 30 रन से मैच जीत लिए, 20 रन से मैच इन्होंने जीत लिया। तो पिच रिपोर्ट पे आप मत जाइए, खुद का दिमाग लगाइए, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग स्कोर है 185, तो चेस करना इस ग्राउंड पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जैसा कि हमने देखा इंडिया के मैच में भी। इंग्लैंड में जो है चेस करना जो है वर्ल्ड कप के मैचेस पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ासतौर से सेमीफाइनल मैचेस के बारे में। तो बात करते हैं हाईएस्ट टोटल इस विकेट पे जो है इंग्लैंड ने बनाया है जो कि 408 है, वहीं पे लोएस्ट टोटल जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 70 है। तो यहाँ पे दोनों ही अच्छी खासी बैटिंग पिच भी हो सकती है या फिर अच्छी खासी सीमिंग या फिर स्पिनर को मदद भी कर सकती है। तो आप खुद से प्रिडिक्ट करके टीम विकेट पे जो है टीम बनाइए, आप किसी के बात मत सुनिएगा, पहली। दूसरी बात, आप स्पिनर को ज़्यादा मत लीजिए इस मैच पे, क्योंकि आपको पता है फास्ट बॉलर ही दोनों टीम के मेन बॉलर्स है। तो बात कर लेते हैं टीम न्यूज़ की ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बारे में। जो सबसे पहले जो टीम न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो है पीटर हैंडकम, मिचेल मार्च और यहाँ पे मैथ्यू वुड जो है रिप्लेसमेंट पे आए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मिचेल मार्च है वो स्टॉइनिस की जो है वो बैकअप है, अभी तक वो रिप्लेसमेंट नहीं हुए हैं। पीटर हैंडकम और मैथ्यू वुड जो है जो कि रिप्लेसमेंट होके आए हैं शॉन मार्च और उस्मान खाजा की जगह। उस्मान मार्च और उस्मान खाजा आके के टूर्नामेंट पे अब नहीं खेल सकते,
वो लोग ऑफिशियली बाहर हो गए हैं इंजरी के कारण। पीटर हैंकम जो है वर्ल्ड कप में जो है अपना कंफर्म है कि वो डेब्यू करेंगे, यानी नंबर 4 यानी स्मिथ के बाद पे वो बैटिंग करेंगे। उनका कोच जस्टिन लैंगन ने ये कंफर्म कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब बात कर लेते हैं अगर मार्कस स्टोइनिस फिट होते हैं कंफर्म तो वो खेलेंगे, अदरवाइज मैक्सवेल, यहाँ पे मैक्सवेल या फिर मैथ्यू वेट का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, लेकिन बड़े मैच पे मुझे नहीं लगता मैथ्यू वेट को मौका मिलेगा क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जो एक बड़े मैच के प्लेयर है और अच्छे खासा स्कोर वो कर सकते हैं। उनकी तरह अटैकिंग बैट्समैन को ड्रॉप ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में तो बिल्कुल नहीं करेगी। हालांकि इस टूर्नामेंट पे जो है मैक्सवेल का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा अभी तक नहीं रहा है। ख्वाजा और शॉन मार्श जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं स्पिनर पे, तो एडम जाम्पा को जो है बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि नेथन लायन जो है अकेले स्पिनर है, उनके साथ मैक्सवेल जो थोड़ी बहुत बोलिंग कर लेते हैं और जाम्पा को शायद इस वर्ल्ड कप में और खेलने का मौका ना मिले। फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, यहाँ पे मिचेल स्टार्क, जेसन बियांडो, पैट कमिंस जो है बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वही खेलेंगे। अदरवाइज कोई जो है चेंज जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम में नज़र नहीं आ रहा है। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे वो लोग जो है सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। हो सकता है मोइन अली को वो लोग जो है यहाँ पे खिलाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। तो उनके पास जुफ्रा अच्छा, लियम पंकेट, मार्कुट, क्रिस ओक बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, तो वो लोग शायद भी कोई चेंजेस करें। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग एलेवन की। तो ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग एलेवन पे आपको एलिस कैरी विकेट कीपिंग में दिखेंगे, वहीं पे डेविड वार्नर और अरुण फिन जो है वो ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे फाइनली जो है स्मिथ बैटिंग करेंगे। नंबर 4 पे जो है पीटर हैनकम आएंगे। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल या फिर मैथ्यू वेट, हालांकि 90% या फिर 99% आप समझ लो मैक्सवेल ही खेलेंगे। उसके बाद बॉलर्स की बात करते हैं, यहाँ पे जेसन बियांडो, पैट कमिंस, नेथन लायन और मिचेल स्टार्क जो कि बॉलिंग करेंगे। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की विकेट कीपिंग करेंगे जॉस बटलर, और वहीं पे इयान मॉर्गन जो कि टीम के कैप्टन है, जॉनी वेस्ट और जेसन रॉय ओपनिंग करेंगे, और नंबर 3 पे जो रूट आएंगे। ऑलराउंडर की बात करें तो यहाँ पे प्रिंस स्टोक और क्रिस वोक ऑलराउंडर या और लोअर ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे। वहीं पे बॉलिंग में लियम पंकित, आदिल रशीद, मार्कुट और जोफ्रा आचर बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। और जो बेंच पे रहेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जाम्पा, नेथन क्विंटलैन और केन रिचर्डसन। वहीं पे जो है इंग्लैंड के लिए बेंच पे रह सकते हैं लियम डोसम, जेम्स वाइन्स, मोइन अली और टॉम करन। अब बात कर लेते हैं हम लोग पहले ड्रीम एलेवन की, उसके बाद मैं आपको माई एलेवन सर्कल की एक सरप्राइज़ टीम देने वाला हूँ, तो वो टीम ज़रूर देखिएगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी टीम बनाने में। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में जो है दो कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ। तो पहला जो कि ड्रीम एलेवन का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि वो यहाँ पे तो आपको क्रेडिट का प्रॉब्लम हमेशा होता ही है, तो उसी हिसाब से। तो बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेशन पे, विकेट कीपर पे बात करते तो यहाँ पे ड्रीम एलेवन पे आपको जॉस बटलर, एलिस कैरी और मैथ्यू वेट, यहाँ पे पीटर हैनकम को भी होना चाहिए था, हालांकि उनके खेलने के चांस बहुत ही कम है। तो तीनों ही विकेट कीपर जो है ये मैच खेलने वाले हैं। हालांकि पीटर हैनकम का जैसे कि मैंने आपको बताया उनके कोच ने ये कंफर्म कर दिया है नंबर 4 पे पीटर हैनकम खेलेंगे। तो अब आपको जो है यहाँ पे डाउट होगा जॉस बटलर या फिर एलिस कैरी। तो जॉस बटलर जो है कभी अच्छा खेलते हैं कभी बुरा खेलते हैं, लेकिन एलिस कैरी को जितना मौका मिला है वो टॉप क्लास इन्होंने खेला है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर के बाद अगर किसी ने अच्छा खेला है तो वो एलिस कैरी है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है चूज़ करना, लेकिन मैं यहाँ पे एलिस कैरी के साथ गया हूँ, ठीक है। लेकिन टॉस के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस होगा क्योंकि प्रेशर मैच पे जब नीचे बैटिंग करने आएंगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर एलिस कैरी के भी ऊपर होगा। तो इसी हिसाब से आप चाहें तो आप जॉस बटलर के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर, मैंने यहाँ पे डेविड वार्नर को ड्रॉप किया हुआ है मेरे ड्रीम एलेवन टीम से। क्यों ड्रॉप किया है मैं आपको बता देता हूँ। ड्रॉप करने की जो पहली वजह है वो है इनका परफॉर्मेंस। इनका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज इनको ज़रूर पकड़ेगी। हालाँकि कल के मैच से पहले ये फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको ड्रॉप नहीं करता तो मेरा टीम जो है वर्ल्ड कप के टीम में आपको इम्पैक्ट
फुल प्लेयर लेना है, एक्सपीरियंस प्लेयर लेना है, तो उसी हिसाब से मैंने, अगर मैं किसी और को ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास इतना क्रेडिट नहीं होता कि मैं आदर्श अच्छे से टीम बना पाऊँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दो अगर आपको टीम अच्छी बनानी है ड्रीम एलेवन पे, तो वैसे ही मैं यहाँ पे डेविड वार्नर को ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो रूट, अरुण फिंच और बेस्टो और स्मिथ को लिया हुआ है। मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन जैसे माई इलेवन सर्कल पे अगर आप खेलते हो, तो जो नीचे माई इलेवन सर्कल का मैंने लिंक भी दिया हुआ, वहाँ पे आप मन खुशी टीम बना सकते हो, वो भी टीम मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैंने नीचे ईएन मॉर्गन को लिया हुआ। अभी फिर से यहाँ पे क्रेडिट की प्रॉब्लम है, मुझे ईएन मॉर्गन की जगह मुझे यहाँ पे बेन स्टॉक चाहिए था, लेकिन क्रेडिट की प्रॉब्लम है, बेन स्टॉक मुझे नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे मैक्सवेल को, तो मैं इन मैच पे जो है बहुत ही सारे टीम में मैक्सवेल को मैं रखने वाला हूँ। वहीं पे बॉलर्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे स्टार्क, आचार और वोक्स को लिया हुआ है। और अगर आप नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे, आप कह सकते हो क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से ही मैंने यहाँ पे जो है जेसन बियांडोप को लिया हुआ है। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करती है तो मैं यहाँ पे लियम पंकित को ले लूँगा, क्योंकि दोनों का क्रेडिट भी सेम है। तो अब बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। अगर आप युसुमान लीग खेल रहे हो तो आप सारे टीम में, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो स्मिथ को कैप्टन करो, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आप जो रूट को कैप्टन करो, स्मिथ को वाइस कैप्टन करो, स्मिथ को कैप्टन करो, या फिर जो रूट को वाइस कैप्टन करो, ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। अब बात कर लेते हैं माई एलेवन सर्कल की टीम के बारे में, जिसमें आपको कोई भी क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए, आपको कोई कैश बोनस नहीं मिलेगा, आपको खुद से पैसे ऐड करके जो यहाँ पे विन करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पे आप 1 करोड़ तक जीत सकते हो, 10 रुपया लगा के आप एक प्लेयर को हरा के, यानी सौरभ गांगुली की टीम को हरा के आप यहाँ से 50 रुपया भी जीत सकते हो। तो ये ऑफर अगर आपको लूटना है तो आपको माई इलेवन सर्कल डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आप माई इलेवन सर्कल की यहाँ पे टीम देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा दूसरा कॉम्बिनेशन लगाया है, जैसे कि मैंने विकेट कीपर पे बटलर को लिया है, मैंने वहीं पे मैंने यहाँ पे डेविड वार्नर को लिया है, फिंच को नहीं लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बेन स्टोक और मार्कस स्टोइनिस दोनों को लिया हुआ है। बॉलर की बात करें तो मैंने यहाँ पे मिचेल स्टार्क, जोफ्रा आचार और यहाँ पे मैंने लियम पंकित को लिया हुआ है, जो कि मैंने ड्रीम इलेवन टीम में नहीं लिया हुआ है। तो आप दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी के साथ भी जा सकते हो, हालांकि ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, जो कि हमेशा से उठानी पड़ती है। तो आप माई इलेवन सर्कल एक बार खेल सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया हुआ है। और इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करोगे। मुझे पता है कुछ लोग हैं वीडियो बिना देखे डिसलाइक करके जाते हैं, बहुत ही बुरा लगता है मुझे। अगर आप डिसलाइक करते हो तो नीचे एक बार कमेंट कर देना क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ताकि मैं खुद को जो है इम्प्रूव कर पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।